राजनीति में इतिहास का एक अहम दौर आज खत्म हुआ। देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल आज खत्म हो गया है। 33 साल तक संसद की लंबी पारी खेलने के बाद मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। उनके साथ ही 54 और सांसदों का भी कार्यकाल खत्म हो गया है। मनमोहन सिंह ने दो बार देश के पीएम की शपथ ली। उनकी विदाई पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भावुक होते हुए एक खत लिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म होने पर एक पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। खत में खड़गे ने लिखा कि 3 दशकों से ज्यादा वक्त तक सेवा करने के बाद आप राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो एक युग का अंत हो गया है। बहुत कम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने आपसे ज्यादा समर्पण और ज्यादा निष्ठा से हमारे देश की सेवा की है। बहुत कम लोगों ने देश और उसके लोगों के लिए आपके जितना काम किया है। आपके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य की बात है। पिछले 10 सालों में जबकि मैं लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता रहा हूं, आप हमेशा ज्ञान का स्रोत रहे हैं और ऐसी व्यक्ति रहे हैं जिनकी सलाह को मैं महत्व देता हूं। ये आप ही थे जिन्होंने दिखाया कि गरीब भी देश के विकास में भाग ले सकते हैं और गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। आपकी नीतियों की बदौलत आपके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाब रहा, जो दुनिया में गरीबी से बाहर आए लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। ओबामा द्वारा मनमोहन का जिक्र किए जाने को लेकर खड़गे ने कहा कि मुझे याद है कि राष्ट्रपति ओबामा ने आपके बारे में कहा था कि जब भी भारतीय प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है जिनका मैं राष्ट्र के प्रति आपके अनेक योगदानों में से उल्लेख कर रहा हूँ। डीबी लाइव की रिपोर्ट।